हाँ भाई, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया, मस्त झक्कास। तो यार, आज हम जा रहे हैं अमृतसर घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो यार देखो, मैं तैयार हो गया हूँ। अभी रात के 8 बज चुके हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो ट्रेन लेट हो चुकी है, तो वहाँ पर हम इंतज़ार करने लगते हैं। ये देखो यार, यहाँ पे स्टेशन पे कोई था ही नहीं, हम अकेले थे। यहाँ पर कोई भी नहीं था, एक आध दो आदमी यहाँ पे मंडरा रहे थे। तो यार फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। और ट्रेन में घुसने के बाद हमने देखा, और ये क्या, ये तो पूरी ट्रेन ही खाली थी। पूरी खाली सीट देख के हम भी बैठ गए। तो फाइनली गाड़ी बदलने वाले स्टेशन पे पहुँच के हमें मिलते हैं हमारे बड़े भैया सचिन। कन्हैया मेरा छोटा भाई। और ये पहले से ही किसी के साथ बातें कर रहे थे। और कैसे हो? बढ़िया। हो गए तैयार? बढ़िया तैयार चलने के लिए। आप तैयार हो? तैयार है बस। चलो चलो फिर चलते हैं। स्लीपर डब्बे के अंदर घुसने के बाद इसके अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो। यहाँ पर ना इतनी भीड़ थी, कुछ लोग ऐसे लेटे पड़े थे। फिर जैसे तैसे करके हम अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं और ये है हमारे सीट के अंदर का नज़ारा। इसको तो भाई साहब, आप कभी भी किसी भी टाइम देख रहे ना, हमेशा फ़ोन पे बात लगा ही रहता है। जल्दी वहां से हटो। तो यार फाइनली हम पहुंच जाते हैं अमृतसर स्टेशन पे। और इस रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात मुझे लगी कि हमारे देश का तिरंगा झंडा बहुत ही शान से लहरा रहा था। फिर थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करने के बाद हम निकल पड़ते हमारी मंजिल की ओर, यानी कि गोल्डन टेंपल देखने के लिए। लेकिन भाई रास्ते में हमें मिलते हैं ये भैया, जो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ पर रूम खाली है वगैरह वगैरह। तो हम इनका रूम देखने के लिए चल जाते हैं। तो गाइस फाइनली अमृतसर पहुँच कर हम आ गए, रूम पर आ गए हैं। और रूम का नज़ारा कुछ है ऐसा, आप देख सकते हो। एसी वाला रूम लिया है, देखो भाई। नहीं, ये एलसीडी है, ये एसी है। और ये हमारा भाई यहाँ पे लेट गया, सबसे पहले इसको कोई काम दिखा नहीं है, आते ही फोन चलाने चल लग गए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। तो चलो फिर गोल्डन टेंपल में मिलते हैं भाई। तो भाई रात का समय हो चुका है और हम रूम से ना धोकर हम आ चुके हैं गोल्डन टेंपल देखने के लिए। और गोल्डन टेंपल के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। फिर अंदर जाने से पहले हमने जूते चप्पल जमा कराए। और बाहर जूते चप्पल जमा कराने के बाद हम निकल पड़ते हैं गोल्डन टेंपल देखने के लिए। लेकिन रास्ते में मैंने देखा कि इसका फ़ोन तो फिर से आ गया और ये फ़ोन पे फिर से लग गया। चलो एनीवे, इसका तो चलता रहेगा, हम चलते हैं अंदर गोल्डन टेंपल देखने के लिए। और अंदर जाते ही हमने वो देखा जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे। इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। आप एक बार यहाँ का एनवायरनमेंट फील करो। और इसके बाद हम करने लग गए थोड़ी बहुत फोटोग्राफी। फोटोग्राफी करने के बाद इसके अंदर मत्था टेकने के लिए जाने के लिए हमने देखा तो ये लाइन इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि यार हमें तो चक्कर आने लग गए। मैं आपको इसके अंदर जाने की भीड़ दिखाऊं। इतनी लंबी भीड़। खैर एनीवे, इसके अंदर हम मत्था तो नहीं टेक पाए, लेकिन हम चले गए फिर लंगर खाने के लिए। यहाँ पर ये भैया सबको बता रहे थे कि कहाँ पे बैठ के खाना है। और फिर हम उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए पहुँच जाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। और खाना तो इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि यार क्या बताऊँ मैं। बहुत ही बढ़िया खाना बना रखा था। यहाँ पर खाना खाकर गुप्त दान देकर हम निकल पड़ते हैं अपने कमरे। मॉर्निंग। तो हेलो गाइस, आज है अमृतसर में अगला दिन और हम ना दो के रेडियो जाएंगे घूमने के लिए अमृतसर में गोल्डन टेंपल फिर से जाएंगे। रात तो गए थे, बाकी आज का नज़ारा फिर से दिखाते हैं आपको। एक बार फिर गोल्डन टेंपल देखने के लिए हम पहुंच जाते हैं सुबह सुबह गोल्डन टेंपल के यहाँ।
लेकिन इस बार हमें मिलती है ये नन्नी नन्नी परियां। भाई आपका नॉलेज तो कम। सॉरी मछलियां, ये देखो। फिर गोल्डन टेम्पल के चारों ओर फेरी लगाने के लिए हम निकल पड़ते हैं, फेरी लगाने के लिए। ये है अंदर जाने का रास्ता गोल्डन टेम्पल के अंदर, और इसीलिए ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है बाहर। फेरी लगाते वक्त रास्ते में हमें दिखता है ये पेड़, जो कि काफ़ी पुराना दिखता है और इसे काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। बाहर की तरफ काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई है। फिर थोड़ी देर सरोवर में स्नान करने के तत्पश्चात हमें मिलते हैं ये फव्वारे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर फोटोग्राफी करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के परिसर से बाहर। फिर जब हम मंदिर के परिसर से बाहर निकलते हैं तो हमें मिलती है ये मार्केट। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आए हुए हैं गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। इसके बाद हम गए जलियांवाला बाग देखने के लिए, जिसका व्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, और उस व्लॉग का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाओ और वो वाला व्लॉग देखो। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।